दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं देवव्रत अधिकारी एक गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल में आपको स्वागत करते हुए आज फिर एक एलसीडी प्रोजेक्टर एप्सन बहुत नामी दामी ब्रांडेड कंपनी है, इंडिया में सबसे हाईएस्ट सेलिंग कर चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ आगे जाकर ये एप्सन कंपनी का प्रोजेक्टर कोई भी ना ले। इसके ऊपर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव ज़्यादा, पॉजिटिव कम नेगेटिव ज़्यादा फैला रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ सही में साधारण आदमी का, नॉर्मल जो कस्टमर लोग है, नॉलेज के साथ साथ उनका मेहनत का पैसा बचाए। आपका पैसा बचेगा, मुझे शांति लगेगा, ठीक है, ऊपर वाला मुझे रिवार्ड देगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ जो दूसरे का भला करने से खुद का भला ऑटोमेटिक होता है, बाय वन गेट वन। तो दोस्तों गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल का मल्टी नॉलेज के साथ साथ जो मल्टी टॉपिक में देता रहता हूँ, प्लीज बात को अनसुना मत करके अहमियत देते हुए इम्प्लीमेंट कर डालिए जल्दी से जल्दी। अगर आपका जीवन आप समझ गया है तो, अगर नहीं समझे एक बार आंख मूंद कर ठंडा दिमाग में सोच लीजिएगा, आपका और मेरा जो जीवन है सिर्फ और सिर्फ एक मौका है, ओनली वन चांस। गॉड को मानिए, ईश्वर को मानिए, अल्लाह को मानिए, भगवान को मानिए, जिसको मानना है मानिए, लेकिन वो मानने के साथ साथ इसको अपना ह्यूमन बॉडी को सबसे ज्यादा अहमियत दीजिए। अगर नहीं देंगे, ये प्रोजेक्टर का काम सीखिए, रेल इंजन का काम सीखिए, एरोप्लेन का काम सीखिए, कुछ भी काम नहीं बनेगा, आपका इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बात को समझने का कोशिश कीजिए। देखिए आदमी से आप बिजनेस करके 100 रुपया ज्यादा लीजिए, 1,000 रुपया ज्यादा लीजिए, लेकिन उसको सही परामर्श सही सर्विस देकर लीजिए। नहीं तो क्या होगा, गलत परामर्श गलत चीज किसी भी तरह गुमराह करके उसके उससे पैसा लेंगे ना, वो पैसा आप ज्यादा दिन हजम नहीं कर सकते। ये है मुद्दा ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं आदमी लोगों को ऑनेस्ट होने के साथ साथ अपना ये जो हेल्थ है, बॉडी है, हमारा जीवन, इसके ऊपर सबसे ज्यादा ऑनेस्टी अवलंबन करना जरूरी है। नहीं तो आप किसी भी उपाय में पैसा रोजगार कीजिए, सारा का सारा पैसा वही डॉक्टर और नर्सिंग होम के पास जाने वाला है। ये है लास्ट वार्निंग आपको, ये मुद्दा होने वाला है अगर आप अहमियत नहीं देंगे तो। आज क्या ये बंदा क्या बकवास करता है, सिर्फ प्रोजेक्टर के साथ साथ हेल्थ भी घुसा देता है। जरूरत है, सबसे कीमती चीज है इस दुनिया में ये मानव जीवन, हमारा मानव बॉडी, ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए मैं जो बैकग्राउंड में शुरुआत से कल्टीवेशन दिखाता हूँ, इसीलिए कल्टीवेशन जब करता हूँ, ये जो फल लगता है ना देखने में, जब जितना सुंदर लगता है, जब तोड़ कर लाते हैं ना वो खाने के टाइम, उससे सुंदर लगता है, आनंद लगता है भाई। ये कोई नो स्प्रे नो रासायनिक, ये मैंने 2 दिन दिवाली के चक्कर में भूल ही गया था, फिर भी अभी ये चीनी जैसा मीठा है, शुगर जैसा मीठा है, इतना अच्छा है। धोने वोने का कुछ जरूरत नहीं है, नो स्प्रे नो रासायनिक, एकदम डायरेक्ट खा सकते हैं। लेकिन ये चावल सब्जी के साथ साथ सैलड खाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका एक भूमिका है। जैसे प्रोजेक्टर का बहुत सारा सीक्रेट बोलने वाला हूँ छात्र, ये अगर हेल्थ का साथ में अवेयरनेस सही नहीं होगा तो प्रोजेक्टर का अवेयरनेस सही नहीं होगा, ठीक है ना। मैं दोनों देता हूँ, और वो भी सही नहीं रहेगा। अगर हेल्थ सही नहीं रहेगा, ये नॉलेज काम नहीं आएगा, और जो हम जो पैसा कमाई करेंगे उसका आनंद ले नहीं पाएंगे। और हमारे जीवन का मूल मकसद है आनंद लेना, इज्जत के साथ जो आनंद ले पाएगा वही असली आदमी है। तो दोस्तों चैनल में कंप्लीट सॉल्यूशन है, योर हेल्थ एंड वेल्थ कंप्लीट केयर मैनेजमेंट प्लान है ये प्रोजेक्टर मॉल का मूल फंडा। बहुत आदमी ने अभी कमेंट्स करके बताता है ना सर आपके साथ सहमत हूँ, मैं बोला धन्यवाद आपको, वेलकम। आपको भी ये रास्ता अपनाना जरूरी है, नहीं तो आपका पैर में आप कुल्हाड़ी मारेंगे, मेरा कहना अनसुना करेंगे तो, मर्जी आपका। तो देखिए जब कल्टीवेशन करता हूँ खुद से, वो उगल के जब लाता हूँ ना, खाने में बहुत टेस्ट होता है। और आप लोगों को मैं इसीलिए जगाने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये उत्तर बंगाल गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल का चौथी मंजिल से ऊपर, जब एकदम स्काई जो आसमान एकदम साफ होता है, जो भूटान पर्वत जो है ना, बड़ा हिमालय पर्वत वो दिखता है साफ, बहुत सुंदर लगता है सीनरी, जबरदस्त वेदर।
यही जंगल में रहकर मैं आदमी का मंगल करने के लिए कोशिश में जारी हूँ। तो अगर आपको साथ देना है प्लीज एक बार वीडियो में लाइक कमेंट्स करने के बाद मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं कोई भी सजेशन चाहिए तो। तो दोस्तों चलिए अभी मुद्दा पे आते हैं। ये एप्सन EVS41 का प्रोजेक्टर मैं इससे पहले वीडियो दिया था, उस दिन अगर कंप्लीट देता तो वीडियो 2 घंटे का हो जाता। मैं सोचा ना पार्ट वन में वो डाल दिया, लेकिन बोलना भी भूल गया, जो वो जो पार्ट वन वीडियो है वो बोलना भी भूल गया, क्योंकि इतना सीक्रेट बताया था उस दिन। तो आज मैं सोचा इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 दूंगा अलग से, ये इसके ऊपर एक पार्ट मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद इसका पार्ट आने वाला है, साथ में रहिएगा। नॉलेज अगर लेना है कंप्लीट लेना है, अगर किसी को देना है कंप्लीट देना है। और आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास अगर कोई भी अच्छा नॉलेज है सबको बांट के दीजिए, क्योंकि आप इस दुनिया का अमर पार्षद नहीं है, अमर बनकर जन्म नहीं लिए है, मैं भी नहीं लिया। तो इसीलिए आपका नॉलेज से अगर हजारों करोड़ों आदमी का काम आएगा, आपका जीवन सफल सफल बनेगा, ये है मूल मुद्दा। मेरा नॉलेज से अगर आदमी का काम ही नहीं आएगा, खाक मेरा जिंदगी, जहन्नुम में जाए, ऐसा जिंदगी का कोई कीमती नहीं है। आप सिर्फ पैसे के चक्कर में रहेंगे, हाँ काम करते करते खाना भी खाएंगे, आपको बात करने का टाइम नहीं है, उल्टा सीधा खाना खा रहे, ये पैसा सारा दूर जाने वाला है आपसे, डॉक्टर और नर्सिंग होम के पास, ठीक है ना। इसलिए सोच समझ कर कदम फैलाइए, और सोच समझ करके हमारा जो पेट मेन इंजन है इसमें कुछ डालने से पहले टांका हिसाब से नहीं, सोच का ब्रेन का कहना सुनकर अगर डालेंगे ना काम आएगा। कैसे इसका तो सीक्रेट बताऊंगा, प्रोजेक्टर तो साफ हो जाएगा, घिस घिस कर साफ करेंगे, उसका सीक्रेट भी बताने वाला हूँ। ये मानव बॉडी साफ कैसे होगा, इतना जो हम गंदा चीज खाते हैं, अभी मैं खोल खोल कर इसका मैं डेमो दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक गार्ड, बॉडी का गार्ड मैं दे लेता हूँ, थोड़ा बहुत भूख लग गया तो 1 चम्मच ये कलयुग का अमृत आप लोगों के सामने अभी 1 चम्मच खाऊंगा, 2 घूंट उष्ण गर्म पानी से। साथ में रहिए, देखिए खाने का टेक्निक दोस्तों, एकदम घर से देखिए ये कलयुग का अमृत, कलर देखिए कितना सुंदर है, और खुलते ही बहुत सुंदर सेंट भी, ठीक है, सुगंधी के साथ, और हेल्दी और टेस्टी, ये है सुपर फूड, दिस इज नॉट ए मेडिसिन। लेकिन इसमें इतना एंटीऑक्सीडेंट है, पेट में जाते ही पूरा बॉडी में जाकर जितना कचरा है खींच खींच कर बाहर निकाल देगा। ये हर रोज कभी कभार टाइम मिलता है तो शाम को भी भूख लग जाता है तो मैं इसका 1 चम्मच खा लेता हूँ। और एक बात बोलूंगा दोस्तों, कोई अगर हर रोज वाइन खाता है, वाइन पीता है, तो वाइन पीने से 10 मिनट पहले इसका 1 चम्मच खा लीजिएगा, आपका बॉडी का गार्ड होगा। जैसे गाड़ी में चक्का होता है ना, 4 चक्का के साथ एक स्टेपनी होता है, ये भी स्टेपनी है, सुपर फूड कलयुग का अमृत, 10 टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट। तो इन स्क्रीन में वीडियो इसका डिटेल्स रहेगा, देखकर समझिए सीख लीजिए, पैसा नहीं लगेगा, हेल्दी रहेंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए एक्चुअली ये चीज बनाने के लिए पैसा लगेगा, ओरिजिनल चीज जुगाड़ तो करना पड़ेगा, अगर जुगाड़ नहीं कर पाते मुझसे लेने का कृपया जरूर कीजिएगा। एक प्रूफ दिखा देता हूँ, आज ही मैंने ये फ्रॉम, मेरा एड्रेस है ऊपर वाला और नीचे वाला, देखिए किसको भेजा हूँ, ये देखिए बढ़िया से आयुर्वेद मेडिसिन 2 हैदराबाद का, आंध्र प्रदेश हैदराबाद वाला, बहुत सुंदर नाम है, अंजाने उल्लू थुथुकु, टाइटल है थुथुकु, बहुत सुंदर नाम है, जीवन में पहली बार इतना सुंदर नाम सुना है। तो आज ही मैंने ये प्रोडक्ट एक डब्बा इन एड्रेस में लगाया हूँ, पैसा अकाउंट में दे दिया है, होम डिलीवरी। तो दोस्तों पिछले महीना महाराष्ट्र गया है, उसका एड्रेस भी मैंने आप लोगों को दिखाया हूँ, और मेरा एक मध्य प्रदेश में जाता है आजीज कुरेशी, वो मेरा 1 साल से परमानेंट कस्टमर हो गया। तो अगर आप बना नहीं पाते मुझसे लेने का कृपया जरूर कीजिए, देखिए खाने का नियम कैसे खाना पड़ेगा। ये 1 चम्मच लिया, मुंह में डाला, जब मुंह में डालेंगे बात नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो गले में अटकने का चांसेस है, नहीं तो ये घोल के खाना पड़ेगा, दूसरा बर्तन में लगाएंगे वहां पे भी लगेगा, डायरेक्ट मुंह में, हाँ
यह है उष्ण गर्म पानी, दो घूंट पानी से एक चम्मच। जब भी मैंने मुंह में लिया एक चम्मच, देखो अपना टांग से जीभ से इधर उधर हिलाया, मुंह में जो लाला रहता है उससे थोड़ा मिक्स किया और मुंह भी फ्रेश हो गया। माउथ फ्रेश का काम करता है। सोचिए पॉजिटिव सब्जेक्ट को, तो जब थोड़ा इधर उधर किया वो थोड़ा डैम हो जाता है, तब भी जब पानी देता हूँ गर्म पानी तो क्या होता है, थोड़ा वो भीग जाता है। भीगने के बाद हम कुल्ला करके वो खा लेते हैं। और दूसरे बार जो घूंट लिया पानी उससे एकदम मुंह एकदम क्लीन हो गया, पूरा खा लिया, मुंह फ्रेश हो गया, माउथ जो है ये माउथ फ्रेश हो गया। और ये पेट में जाने के बाद 10 मिनट के अंदर एक अलादा टाइप का कुछ बनेगा, पावरफुल सब्जेक्ट बनेगा अपना पेट का और सारा कुछ माध्यम का। मैं आज वो डिटेल बता नहीं रहा हूँ, वीडियो शॉर्ट कर रहा हूँ आप लोगों को जगाने के लिए। तो पहले हेल्थ, उसके बाद वेल्थ, नहीं तो आनंद नहीं कर पाएंगे। तो जब भी ये दो घूंट पानी से पी लिया, अभी 10 मिनट बाद मुझे कम से कम ये आधा लीटर या 1 लीटर पानी पीना है एक ही साथ में, धीरे धीरे, जितना तृप्त के साथ पानी पीना है, जितना मैं आसानी से एक्सेप्ट कर सकता हूँ उतना पानी, जोर जबरदस्ती नहीं, नहीं तो उल्टी हो जाएगा जोर जबरदस्ती ज्यादा पानी पीने से। तो ये है पानी पीने का ढंग। और जब पियेंगे कम से कम 1-1.5 घंटा कुछ नहीं खाएंगे तो जबरदस्त काम करेगा, क्योंकि हमारा बॉडी दो टाइप का काम करता है। यह तो पेट में जब खाना रहता है खाना पचाता है, और जब पेट में खाना नहीं रहता है तो बॉडी में कहाँ पे क्या दिक्कत है वो रिपेयर करता है। यही है मुद्दा काम हमारा बॉडी का। तो हमारा सोच अगर ये मल्टी थिंकिंग में बन जाएंगे, हमारा डॉक्टर अगर हम बन जाएंगे, तो हमें लाइन देकर वो डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं है, डॉक्टर नर्सिंग होम हॉस्पिटल के पास जाने का जरूरत नहीं है, MRI का लाइन नहीं देना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट के वहां पे जाना नहीं पड़ेगा। कितना भी मगजमारी होता है ट्रीटमेंट, एक बार शरीर बिगड़ गया तो कितना मगजमारी होता है, टेंशन होता है, फिर पैसा भी बर्बाद होता है। तो अगर आप बीमारी ना पड़े वही सबसे बुद्धिमानी रहेगा। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर बोल के गया है, ट्रीटमेंट कर कर अपना सेहत को अच्छा करने से बजाय बीमारी ही मत पड़ो। बंगाली में बताया है, चिकित्सा करिया रोग सारानो चाहते, रोग ना होते दवाई भालो। मतलब मैं ट्रीटमेंट करके बॉडी को रिपेयर ना करने के बजाय बॉडी को बीमार ही नहीं पकड़ने देंगे। बीमार कहाँ से होता है, फूड इज आवर बेस्ट मेडिसिन। तो ये सुपर फूड है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो भी इसके साथ अभी खोलकर प्रूफ दिखाऊंगा ये बॉडी में कैसे काम करता है और हम मैन्युअली कैसे काम करता है। चलिए बात को ना बढ़ाते हुए अभी शॉर्ट में इसका सीक्रेट बताऊंगा। इसका पहले का वीडियो जो है, देखिए दोस्तों एकदम गौर से आपको सिखा देता हूँ। इसका जो पार्ट 1 वीडियो मैंने बताया नहीं था, लेकिन इसका खोलने का पूरा सीक्रेट के साथ लॉन्ग लास्टिंग का सीक्रेट बताया था। वो वीडियो मैं कार्ड में पंचिंग करके रखूंगा, और इन स्क्रीन में तो हेल्थ वाला रहेगा ही रहेगा, इन स्क्रीन में रहेगा हेल्थ वाला, देख देख लीजिएगा। और कार्ड में रहेगा जो मैं इसका टॉपिक दिया था, LCD प्रोजेक्टर न्यूज विथ लॉन्ग लास्टिंग, कैसे इसका लॉन्ग लास्टिंग करता है, इसका एक न्यूज मैंने दिया था, वो पार्ट 1 था, लेकिन मैंने बताया नहीं था, भूल गया था। तो आज ये पार्ट 2 है, ये 5 मिनट पूरा खोलेंगे, इसका साफ कैसे करेंगे इसका सीक्रेट। आज भी किसी ने एक फोन किया था, प्रोजेक्टर का कैमरा खोलकर पेट्रोल से घिस कर साफ कर दिया, कैमरा बिगड़ गया, अभी ढूंढ रहा है। तो मुझे बातचीत हुआ है, तो आगे देखते हैं उसका मिले या ना मिले, हो सकता है। तो ऐसा है, आदमी को मैं जागरूक करने के लिए किया कुछ नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ कोई भी केमिकल नहीं चलेगा, सारा ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक क्लीनर ये भी मैं तैयार करता हूँ मेरा जरूरत के हिसाब से, आपको चाहिए तो ले सकते हैं, 800 रुपीज ये बोतल का प्राइस है, ठीक है, जिसका जरूरत है ले लेता है। तो मुझे तो परमानेंट जरूरत होता है, मैं बना के रख देता हूँ, ये लाइफ टाइम रहेगा, खराब नहीं होगा, पावरफुल, कोई ग्लास खराब नहीं होगा, ऑर्गेनिक क्लीनर पावरफुल है। इसका प्रूफ मैं दिखा सकता हूँ, अगर टाइल्स के अंदर एकदम काला पड़ जाएगा ना, इसका थोड़ा एक बूंद डालकर घिसेंगे तो हाथों हाथ वो सफेद चकाचक हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्टर का पार्ट भी अगर चकाचक नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा, जल्दी बिगड़ जाएगा। तो हम ऊपर से कितना भी नहाए, अगर हम अंदर से साफ सुथरा नहीं बनेंगे तो बीमारी बनेंगे, बीमार बनकर
जाना है डॉक्टर के पास, हमारा पैसा भी सर्वनाश। तो इसीलिए बताया, आप अगर ड्रिंकर है, अगर परमानेंट ड्रिंकिंग करते हैं, फिर भी एक चम्मच हर रोज ले लीजिए 10 मिनट पहले, उसके बाद पीजिए वाइन, बॉडी का गार्ड होगा। अब जब समझ जाएंगे धीरे धीरे, वाइन आप खुद से घटा देंगे, किसी को समझाने का जरूरत नहीं है, ऐसा चीज है। और कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपका बॉडी पूरा स्टेमिना ठीक ठाक रहेगा। और अगर आप ओकेशनली ड्रिंकिंग करते हैं, फिर भी ड्रिंकिंग से पहले इसका एक चम्मच लेंगे तो आपको महसूस कुछ अलग होगा, क्योंकि मैं एक टाइम फुल टाइम ड्रिंकर मैं भी था, ठीक है। तो वहां से मैं बच गया, छोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों, अभी सीक्रेट खोल के खिला दूंगा चाय के साथ। तो सबसे पहले ये ब्लास्ट यूनिट अगर खोलना है, उस दिन तो मैंने ये ना खोल करके ही खोला था, लेकिन सबसे आसान तरीका है ये फैन यूनिट सबसे पहले खोलना है। फैन यूनिट यहाँ पे एक स्क्रू, मैं बताते बताते एकदम आपको दिखा देता हूँ, एक स्क्रू, फिर यहाँ पे एक स्क्रू, देखिए एकदम दिखा दिखा कर खोल रहा हूँ, और यहाँ पे एक स्क्रू, ये भी मैं खोल लेता हूँ, खोल लिया। अभी देखिए धीरे से ये तीन स्क्रू में लगा हुआ था, ये खोल दिया। यहाँ पे भी एक सेंसर है, देखिए ये सेंसर भी साफ होना जरूरी है। ये लैम हीट कंट्रोलर, लैम का सेंसिंग करता है, एकदम ब्लास्ट यूनिट के साथ पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन है। एक कनेक्शन गया ब्लास्ट यूनिट में, एक कनेक्शन आया पावर सप्लाई में, देखिए भाया होकर। तो अभी इसका ये जो फैन साफ कैसे करेंगे, इसका ढक्कन खोलना जरूरी है। तो जब इसका नाक खोल ही दिया, खोलने के साथ साथ इधर से देखिए, जब उठ गया इधर इधर से देखिए, धीरे से ये उठ जाएगा, ये देखिए खुल गया ना, तभी फैन को आप खोल सकते हैं। ये फैन को खोल कर देखिए एकदम उठा देता हूँ, बढ़िया रहेगा, ये उठा दिया ना। अगर ये वायर को एकदम खोल देंगे तो एकदम फैन निकल जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, मुझे तो फैन को साफ करना है। इधर से ब्रश से घिस घिस कर साफ करेंगे, इधर से ब्रश घुसा दूंगा, घिस घिस कर साफ करूंगा, चिकना ब्रश दिखा देता हूँ, ब्रश कैसा चाहिए, टेक्निक को देखिए, ये ऐसा ब्रश, ठीक है। इससे थोड़ा चिकना होगा और अच्छा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम इतना चिकना चाहिए। ये 1 इंच ब्रश ब्रश होता है, जब भी ये ऐसे ऐसे घिसेंगे, ऐसे ऐसे घिसेंगे तो सारा धूल मिट्टी जो है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ब्लोअर मार देंगे, हवा मशीन चला देंगे, एकदम पूरा साफ हो जाएगा, चकाचक। मतलब यहाँ पे जब धूल मिट्टी घुसता है ना, पंखा थोड़ा भारी हो जाता है, तो भारी होगा तो स्पीड कम हो जाता है, स्पीड कम होगा तो क्या होगा, इसका ठंडा गर्म हवा कम निकल पाएगा, इधर लैम ज्यादा हीट ज्यादा होगा, समझिए टॉपिक को, एक के साथ एक एकदम रिश्ता है। तो जब हीट ज्यादा होगा तो प्रोजेक्टर जल्दी बिगड़ेगा, और ये जो एलसीडी प्रिज्म है, ये ज्यादा हीट होगा तो जल्दी खराब हो जाएगा, जल जाएगा, समझिए टॉपिक को। तो इसको लॉन्ग लास्टिंग करवाना है, आपने ले लिया प्रोजेक्टर पैसा से, तो मैं चाहता हूं आपका प्रोजेक्टर जितना लॉन्ग लास्टिंग करवा सकता हूं, आपका प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग करे। अगर बिगड़ जाए, थोड़ा पैसा में रिपेयर हो जाएगा, तो रिपेयर करना है, ज्यादा पैसा लगेगा, तो उसको साफ सुफ करके शोरूम में सजा के रखना है। उसके बाद क्या लेना है, डीएलपी प्रोजेक्टर, वो भी डेल नंबर 1, नंबर 2 शार्प, नंबर 3 एनईसी, नंबर 4 है बेनक्यू। मार्केट में वीवीटेक, व्यूसोनिक, इनफोकस, बहुत सारा और प्रोजेक्टर है, बहुत कंपनी, मैं नाम लेकर वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ, उनमें नहीं जाना है, उनका सॉफ्टवेयर है। और जो मैं 4 कंपनी का सॉफ्टवेयर बताया, जमीन आसमान फर्क है। अगर सक्सेस होता तो 23 साल मेरा जो रनिंग हो रहा है, अभी क्रॉस करेगा दिसंबर में, 24 साल में क्रॉस होगा, पड़ेगा मेरा एक्सपीरियंस, तो इतना साल में मैं उसका रिसर्च कर चुका हूँ। तो कर कर मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ, तो जिसका काम आएगा आएगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा उसको तो अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों ऐसे ही साफ करके उसको बढ़िया से बनाना है। और इसका जो सेंसर मैंने बताया, ये सेंसर को ये ऑर्गेनिक क्लीनर से ही क्लीन करना है। यहाँ पे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुछ भी
एल्कोहल जातीय ऐसा कुछ नहीं डालना है जिससे ये अनसेंसर हो जाए, सेंसर से अनसेंसर हो जाए। समझिए टॉपिक को, वो ऑप्टिकल इंजिन का जिस दिन वीडियो दूंगा उसमें और बहुत सीक्रेट है, वो दूंगा जरूर। तो मैंने ये खोलने का लगाने का टेक्निक दिखा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, ये आपको सीक्रेट जानना जरूरी है, तो भी आपका प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग करेगा। जब ये पूरा साफ होगा तो क्या होगा, प्रोजेक्टर दौड़ेगा, लॉन्ग लास्टिंग करेगा। ये देखिए एकदम आसानी से बैठ गया ना। अब जब खोलना लगाना इजी होगा, जरूरत नहीं पड़ेगा तो वायरिंग नहीं खोलना है, अगर जरूरत पड़ गया तो वायरिंग खोल देना है, खोलकर फिर वायरिंग करना है। तो मैं शॉर्टकट में आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एकदम बढ़िया से फिर साफ करके फिटिंग कर ये बैठा देना है। अगर नहीं बैठाना है तो क्या, अगर ब्लास्ट यूनिट खोलना है यहाँ पे एक दो तीन, यहाँ पे एक दो, ये पांच नाट खोलेंगे तो ये ब्लास्ट यूनिट उठ जाएगा। उस दिन मैंने ये खोलना दिखा दिया था। अगर चेंज करना है ये कंप्लीट ब्लास्ट यूनिट को फेंक कर नया ये लगा सकते हैं, मिल जाएगा, अवेलेबल ए टू जेड स्पेयर पार्ट्स प्रोजेक्टर मॉल में मिलेगा। अगर रेडी नहीं होगा फिर भी मैं कंपनी से ला कर दे सकता हूँ, ये भी मेरा बहादुरी नहीं आत्महंकार नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरा माध्यम से किसी का एक प्रोजेक्टर ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, उसका टेंशन दूर हो जाए, तो इसलिए मैं ये सीक्रेट आज उबाल के दे रहा हूँ। इस साइड का फैन ऐसे ही खोलेंगे, इस साइड का जो फैन है ये भी फैन आपको ऐसे ही एक इधर एक दो तीन, ये तीन नाट के ऊपर ये फैन है, ये भी उठ जाएगा। चलिए एक बार खोल कर दिखा देता हूँ। इधर इधर वाला फैन, ये वाला फैन खोलना है, एक ये है दो, इधर है तीन, ये तीन नाट खोल लिया। ये एक्चुअली मैं ये यूनिट आपको आज ट्रेनिंग देने के लिए खोल रहा हूँ, तो एक्चुअली यहाँ पे पांच नाट रहता है, तीन था और इधर भी दो था, एक्चुअली यहाँ पे नाट रहता है टोटल छः, तो ये छः नाट एक नाट नहीं था तो मैंने पांच खोल दिया। धीरे से देखिए आसानी से एकदम ये उठ जाएगा, और उससे पहले ये जो आर्थिन का कनेक्शन है ये भी उठा लेना है। ये आर्थिन का कनेक्शन है, देखिए ये देखिए एकदम आसानी से उठ गया। अभी ये फैन इधर से आप निकाल कर इसको भी साफ कर सकते हैं आसानी से, एकदम ब्रश से बढ़िया से एकदम घिस घिस कर साफ करके हवा मार दीजिएगा, एकदम हो जाएगा। वायरिंग खोलने का ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको उठाना है। अगर ज़रूरत है तो ये आप शांति से एकदम देख देख कर वायरिंग जैसे था याद रखना है, मुझे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इशारा दे रहा हूँ, और समझदार आदमी के लिए इशारा ही काफ़ी है। एकदम पूरा खोल कर इसीलिए आपको दिखा दिया, जो एप्सन प्रोजेक्टर जो कंपनी बेच रहा है इतना, वो लोग तो कंपनी दूसरे को अवेयरनेस नहीं दे रहा, नहीं सिखा रहा, जो सर हमारा जो प्रोजेक्टर ले रहा है इसका ऐसा है पूरी सेवा, इसका सर्विस ऐसे करना पड़ता है, अगर ये सर्विस सिखाएगा उसका प्रोजेक्टर बिकेगा नहीं। एक आदमी पाँच साल बाद अगर प्रोजेक्टर खरीदेगा तो कंपनी तो काम नहीं चलेगा, उसको तो सीक्रेट नहीं बताकर उसको सिर्फ बेच कर पैसा लूटना है, ठीक है ना, उसीलिए वो टेक्निक नहीं बताता। और दुकानदार थी, और आज तो कोई दुकानदार आपको कभी नहीं बताएगा। तो मैं चाहता हूँ, अरे जब मैं इतना मेहनत करके दिल्ली वालों का गाली सुनते सुनते हैं, इतना मुझे ठगाया, इतना मुझे भड़काया, बाद में मुझे ब्रेन राजी हुआ, भाई तुम्हें प्रोजेक्टर का काम सीखना है, नहीं तो ये दिल्ली वाला तुम्हें बाम्बू देते देते स्वर्ग में भेज देगा। तो इसलिए दिल्ली वालों का फ्रॉड कॉन्सेप्ट से आपको बचाने के लिए मेरा ये मेहनत है। तो इसके लिए दोस्तों क्या मुझे बोलकर आपको चैनल को सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा या एक लाइक कमेंट्स लेना पड़ेगा? आप दिल से देकर मुझे थोड़ा बाधित कर दीजिएगा दोस्तों। मैं ये चाहता हूँ हर व्यक्ति का प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग करे फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा बिना पैसा, इसीलिए इतना मेहनत करके मैं सोच समझ कर जानबूझ कर आदमी को जगाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जागो ग्राहक जागो, और टाइम नहीं है, कंपनी लोग जो फ्रॉड कर रहा है ये फ्रॉड से आपको बचना है, झूठ बोले कौआ काटे, ठीक है ना।
एकदम जैसे खोला था ऐसे ही फिर एकदम वायर को देख लेना है, वही पे नाप के फिर आराम से ये बैठाना है। देखिए कैसे बैठाना है, फिर खोल तो लिया, अगर बैठा नहीं पाएंगे दिक्कत होगा। देखिए एकदम सेंसर टू सेंसर जैसा था, ये देखिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट जब भी बैठेगा एकदम आराम से बैठ जाएगा, डरने का कुछ नहीं है दोस्तों। बनाया तो आदमी ने ही बनाया ना, चीज तो आदमी ने ही बनाया, लेकिन आदमी ने बनाया पहले मशीन, मशीन से ये चीज बना और उसके बाद आदमी ने ये मैन्युअली फिटिंग भी किया। तो आदमी अगर किया है तो हम लोग की उस सर्विस नहीं कर पाएंगे, डरने का किया, कुछ डरना नहीं है। और उसके बाद ये कनेक्शन जो, ये क्या कनेक्शन है, ये अर्थिंग, ये जो प्रोजेक्टर उस दिन मैंने भूल गया था, ये प्रोजेक्टर जो आप जब कनेक्शन करेंगे उस कनेक्शन बोर्ड में अर्थिंग पॉइंट होना जरूरी है। इसका जो थ्री कनेक्टर है ना, ये देखिए वो पे तीन पॉइंट है ना, यहाँ पे तीन, तो ये तीनों पॉइंट वहाँ पे कनेक्शन होना चाहिए। अर्थिंग का जो है वो भी अर्थिंग वहाँ पे होना चाहिए, मजबूत वाला अर्थिंग, बिना अर्थिंग का अगर चलाएंगे प्रोजेक्टर में प्रॉब्लम होगा। तो ये कंपनी अगर ये चीज़ देता ही नहीं था फिर, अगर अर्थिंग इसको ज़रूरत नहीं था, ठीक है ना। इसीलिए मेरा कोशिश जारी है, जातमी लोगों को बोल बोल कर हेल्दी भी बनाना है और वेल्दी भी बनाना है। बात करते करते 10 मिनट हो गया, और पानी भी पीना है सही से, लेकिन खरीदा हुआ पानी नहीं दोस्तों, नॉर्मल घर का साधारण नॉर्मल फिल्टर में फिल्टर किया हुआ पानी, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त मीठा है पानी। ये काम भी करना है, बॉडी का भी ख्याल करना है, एट फर्स्ट हेल्थ आफ्टर देन वेल्थ। अगर बॉडी साथ नहीं देगा तो प्रोजेक्टर का सिनेमा देखकर मजा नहीं आएगा, समझिए टॉपिक को, इसीलिए बता रहा हूँ। हेल्थ का टॉपिक सबसे पहले आना अपनाना है। प्लानिंग का नाम सफलता, प्लानिंग का नाम स्वास्थ्य। ये जो बॉडी बना है ना, ये नेचरली बना है, अननेचरली बना नहीं है, रातों रात हम इतना बड़ा नहीं हुआ, ठीक है, छोटा से इतना बड़ा हुआ नेचरली। तो इसलिए आपको नेचरल चीज ही खाना है, अननेचरल जो पैकिंग फूड नहीं खाना है। आदमी का बातों में मत आइए, इतना जो सेलिब्रिटी लोग अवार्ड देता है ना, मैं नाम ना लेकर बता रहा हूँ दोस्तों, मजा का ऐड दे रहा है। एक ऐड बनाकर कम से कम कितना करोड़ लिया होगा, 8-10 करोड़ लिया होगा, मजा ढल रहा है, खा रहा है। हाँ, इतना नामी दामी सेलिब्रिटी है, इसीलिए मैं वो जो जितना सेलिब्रिटी है जो गंदा चीज़ का एडवर्टाइज देता है, आदमी को गुमराह करने के काम आता है, वो सेलिब्रिटी को मैं कुत्ता से भी बदतर मानता हूँ, वो कितना भी इज्जतदार ना हो। क्योंकि देखिए माजा टोटली केमिकल है, माजा थम्सअप कोका कोला जितना जंक फूड है, सोचिए फिर भी इतना एक्टर लोग उसके पीछे। आज शिखर गुटका क्या अच्छा चीज है, ये कितना नामी दामी एक्टर लोग वो उसको खा रहा है, खाने का एक्टिंग करके दिखा रहा है, हाँ, पैसे के लालच में आदमी को गुमराह कर रहा है, और आदमी लोग भी उसी के पीछे भाग रहा है। हाँ, ट्रेन में सफर जो करता है, एक बार देखिएगा ट्रेन में बस में जो सफर करता है, 99% आदमी वही फास्ट फूड जंक फूड लेकर घूम रहा है, बैग में लेकर वही खाकर जिंदगी निभा रहा है, और सबसे पहला बीमारी डायबिटीज उसी से हो रहा है। सोचिए, फूड इज आवर बेस्ट मेडिसिन, डॉक्टर हेनरी विलर बोलकर जिस बुक किताब में बोला था, लिखा था, वो किताब उसको अवार्ड दिया था बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। सोचिए, फूड इज आवर बेस्ट मेडिसिन, इसीलिए एट फर्स्ट हेल्थ आफ्टर देन वेल्थ। और उसके बाद आप प्रोजेक्टर का नॉलेज लीजिए, घर में प्रोजेक्टर लगाइए, बड़ा पर्दा में सिनेमा देखिए, नाउ यू वॉच मूवी और ऑल टीवी चैनल प्रोग्राम ऑन बिग स्क्रीन एट होम विथ स्माइल, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, दूसरे का भला खुद का भला ऑटोमेटिक। तो आपको ये काम करना ही करना है, मल्टी नॉलेज मैन आपको बनना ही बनना है, नहीं तो आपका जनरेशन आपको मरने के बाद भी गाली देगा, आपको सोरेगा नहीं, मरने के टाइम भी आपको गाली देगा, जो हरामी का औलाद हमारे लिए कुछ करके नहीं गया। समझिए टॉपिक को, अगर आप अपना जनरेशन को बहुत कुछ देकर जाते हैं, आपका नाम पिछला जितना जनरेशन आएगा सब ले लेगा। ठंडा दिमाग से एक बार समझने का कोशिश कीजिए, अगर
जो बिजली होता है ना करंट, वो हम मिट्टी में खराब होकर पकड़ेंगे तो जितना शॉर्ट करेगा वहाँ पे मरने का चांसेस भी है। शॉर्ट करेगा, छोड़ देगा, मतलब झटका लगाएगा, फिर आप बचेंगे, लेकिन वहाँ से अगर आप छूट नहीं पाएंगे आप मर ही जाएंगे। ये है अर्थिंग का एक बड़ा पावर, क्योंकि आप मिट्टी में रहकर आपने करंट को छू लिया या किसी भी कारण लग गया, ऐसे भी आदमी मरता है। लेकिन आपका पैर के तले अगर जूता, मोजा और फिर चप्पल कुछ भी हो, फिर आपको 100% वो बिजली मार नहीं पाएगा, वो झटका ही लगाएगा। पकड़ते ही आपको झटका लगेगा, आप खुद का खुद उसको छोड़ेंगे ऑटोमेटिकली। तो अर्थिंग ऐसा पावरफुल होता है। तो ये प्रोजेक्टर के अंदर जो अर्थिंग दिया हुआ है, पूरा जितना जितना पॉइंट है बोर्ड वोर्ड में, जहाँ जहाँ पे देखिए, बढ़िया से आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा बोर्ड में अर्थिंग, पूरा बॉडी में अर्थिंग है। तो अर्थिंग में अगर कोई कमजोरी होता है तो किसी भी कारण अगर वोल्टेज हाई होता है तो अर्थिंग भी कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे इतना सिस्टम है। तो अर्थिंग अगर मेन प्लग से कनेक्शन नहीं है, यहाँ तक तो आया नहीं है, तो ये मशीन खराब होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो आपको समझना है, चारों तरफ से प्रोजेक्टर सिर्फ लगाना नहीं है, चलाना ही है, सिर्फ चलाना काफ़ी नहीं है, आपको प्रोजेक्टर चलाने से पहले इतना मगजमारी करके लेना है, तभी तो प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग करेगा। किसी का भी हाथ में पकड़ा दिया, भाई ले लो वहाँ पे लगा लो, वो इतना समझेगा नहीं, कुछ भी उल्टा सीधा करके हुकिंग करंट में लगा दिया, ये तो नॉर्मल एक प्लग में लगा दिया जिसमें अर्थिंग नहीं है, फिर नॉर्मल पावर केबल से लगा दिया, कुछ भी बात को अनसुना करके, उसको उतना नॉलेज ही नहीं है, ये रेडियो टीवी नहीं है, ये जब चलता है 5 सेकंड के लिए 1200 वोल्ट इसको चाहिए होता है, लोड ले लेता है, तो दमदार करंट नहीं होगा तो फायरिंग करेगा, तभी तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो मैं इतना सीक्रेट उबाल के क्यों दे रहा हूँ, अपना मानव जीवन का सीक्रेट मैंने जान गया, इसका भी आपको मैं सिखा रहा हूँ, जो पहले मानव जीवन को सिक्योरिटी कर डालिए, पैसा बचेगा, डॉक्टर नर्सिंग होम के चक्कर से बचेंगे और आप आनंद के साथ जिएंगे घर में बैठकर फैमिली के साथ। तो आज भी हमारा पड़ोसी एक घर बीच में दूसरा घर का यंग लड़का, मुझसे भी कम उम्र, देहांत हो गया, अभी तो ऑलरेडी जला भी दिया ऑलरेडी। उसके बाद मैं फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, मैं भी कुछ दिन मर जाऊँगा, मेरा साथ साथ नॉलेज भी मर जाएगा, तो मैं चाहता हूँ मेरा नॉलेज से करोड़ों आदमी का फायदा हो, इसी उद्देश्य से मेरा ये मेहनत है। तो दोस्तों, वीडियो को गौर करके समझने के बाद हर व्यक्ति को शेयरिंग करना है, और जी ये ऑर्गेनिक कल्टीवेशन मैं बैकग्राउंड में दिखाता हूँ, ये ऑर्गेनिक कल्टीवेशन भी आपको लागू करना है, दुनिया ऑर्गेनिक युक्त करना है, हमारा धरती माता वसुंधरा को सुधारना है। ये धरती माता वसुंधरा का आशीर्वाद जब आपका सर पर होगा, आपका सफलता अनिवार्य। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, फेसबुक को लात मारकर भगाइए, फेसबुक यूज मत कीजिए, फेसबुक के बदले मैं जो उस दिन बताया था, भारत की दुकान मॉल 91 में जुड़ जाइए, और मैं आपको खून से सिखा दूंगा, घर बैठे मिनिमम 1000 रुपया पर डे, मिनिमम बता रहा हूँ, सही में इज्जत के साथ आपका अकाउंट में आएगा, हर रोज आप महीने का एक बार ले सकते हैं, रोज का रोज अकाउंट में ले सकते हैं, उसके लिए आपको ऑनेस्टी के साथ काम करना पड़ेगा, फेसबुक जैसा ही काम वो कर दिन में 1000 रुपया आपका घर का लेडी को दीजिए, आपको फुर्सत नहीं है तो, या तो आपका बच्चे को सिखाइए, ये फेसबुक ना करके ये कर, इनकम भी आएगा, नॉलेज भी बढ़ेगा, बहुत ज़बरदस्त। और पैसा एक ऐसा चीज़ है जो लकड़ी का पुतली होता है ना, वो भी पैसा देखते के हाँ करता है, भाई पैसा दे दो, कठपुतली, ठीक है, पैसा बोलता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, अभी पैसा पैसा कर कर कितना मगजमारी करता है, डिसऑनेस्टी कर कर, वही पैसा आपका दिन में 1000 रुपया घर में पंखा का हवा खाते खाते आएगा, रास्ता मैं सिखा दूंगा, मुझे 1 रुपया देने का चक्कर नहीं है, वर्ल्ड वाइड होने जा रहा है,
2023 का पहला मंथ में जनवरी को वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। ये इंडिया का कॉन्सेप्ट है। मॉल 91 भारत की दुकान का मुद्दा कॉन्सेप्ट है। करोड़पति जो आज है वो करोड़पति बन जाए मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक साल के अंदर, अगर सीखेगा तो मुमकिन है, तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही था। उम्मीद करता हूँ मेरा टॉपिक आपको दिल से अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट्स करना, झिझकना नहीं, और दोस्तों को शेयरिंग करके ये दुनिया को जागरूक करना है, मल्टी नॉलेजमेंट बनाना है हर व्यक्ति को, हर इंडियन को, तभी इंडिया रिचेस्ट कंट्री बनेगा। मेरा उद्देश्य वो भी एक है, धरती माता को सुधारना है, ऑर्गेनिक बनाना है, हमें ऑर्गेनिक खाना खाना है, और दुनिया को जागरूक करके इंडिया को रिचेस्ट कंट्री बनाना है। एक आदमी होने का नाते आपको भी जिम्मेदारी है, अगर आपने ये बात सुनिया मतलब आपको ये काम करना जरूरी है। सबका आशीर्वाद आपका सफलता गारंटी, आदमी का अभिशाप आपका विफलता। तो इसलिए अभिशाप नहीं, वरदान, वरदान लेना है आपको। तो वरदान कौन देगा? ये धरती माता वसुंधरा देगा, ठीक है। और जब आदमी के लिए काम करेंगे, जो आप गॉड मानिए, ईश्वर मानिए, अल्लाह मानिए, भगवान मानिए, वो देगा आपको वरदान फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, प्रोजेक्टर मॉल के साथ जुड़ जाइए। तो एनी टाइम कॉल करना, झिझकना नहीं, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट नंबर दिया हुआ है और मेरा एड्रेस भी पूरा दिया हुआ है। बढ़िया से कम्युनिकेट करना है और देश को हमें आगे लेकर जाना है, धरती माता को सुधारना है मुद्दा कॉन्सेप्ट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मेरा नमस्कार। आप लोगों का दिन बहुत बहुत अच्छा रहे, और मेरा कंप्लीट टॉपिक देखने के लिए और एक लाइक कमेंट्स करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ ही शुभ हो। थैंक यू।